नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ डायबिटीज के मरीजों को घी खाना चाहिए या नहीं, जाने सही जवाब। दोस्तों अक्सर डायबिटीज के मरीज अपने खान पान को लेकर खूब चिंतित रहते हैं, क्योंकि डायबिटीज को खान पान के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए लोग कई तरह की डाइट को फॉलो करते हैं। इस दौरान डायबिटीज मरीज क्या खाएं और क्या नहीं, इसे लेकर उनके मन में कई सवाल होते हैं। इन्हीं में से एक है घी। कई डायबिटीज मरीज तेल या घी से जुड़ा एक सवाल खूब पूछते हैं कि क्या डायबिटीज में मरीजों को घी या तेल का सेवन करना चाहिए। कई विशेषज्ञों के अनुसार घी सेहत के लिए अच्छा होता है। घी को कई औषधियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुकिंग ऑयल फिर भी नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन घी का सेवन डायबिटीज रोगियों के लिए अच्छा होता है। आइए जानते हैं कि क्यों उन्हें घी का सेवन करना चाहिए। नंबर एक, दिल की बीमारियों से रखता है दूर। दोस्तों घी में लिनोलेइक एसिड मौजूद होता है, जो कई तरह के हृदय रोगों की संभावनाओं को कम करने में मदद करता है। डायबिटीज या मधुमेह होने पर दिल के रोगों की संभावना अधिक होती है। ऐसे में घी को आहार में शामिल करने से आप दिल के रोगों के खतरे को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। नंबर दो, ब्लड शुगर को करता है नियंत्रित। दोस्तों देसी घी या क्लेरिफाइड बटर स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट का स्रोत है, जो आपके द्वारा खाए जा रहे भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे डायबिटीज मैनेजमेंट यानी मधुमेह प्रबंधन सुनिश्चित होता है। नंबर तीन, वजन कम करता है। दोस्तों असल में शरीर में जमा वसा को घी के सही सेवन से पिघलाया जा सकता है। इसकी मदद से डायबिटीज के मरीज प्रभावी तरीके से वजन कम करने में घी की मदद ले सकते हैं। नंबर चार, मेटाबॉलिज्म के लिए ज्यादा बेहतर। दोस्तों घी में मौजूद फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और हाई ब्लड शुगर को मैनेज करने में सहायक होते हैं। अगर घी को चावलों के साथ खाया जाए तो यह चावलों में मौजूद शुगर को पचाने में मदद करता है। इस बात को ध्यान में रखें कि आप खाने में देसी घी का इस्तेमाल करें, और यह घी गाय का हो तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताएं, और नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हेल्थ टिप्स इन हिंदी। धन्यवाद।